बुरे कर्म करोगे तो हो सकता है अगले जन्म में भीख मांगनी पड़ जाए, अच्छे कर्म करोगे तो हो सकता है कि बहुत ऊंचा पद, बहुत ऊंचा स्थान, बहुत ऊंची जगह मिल जाए। रहोगे आदमी, भिखारी भी आदमी है और एक सेठ, एक राजा, वो भी आदमी है। बस इतनी मान्यता कर्म की उनके यहां पर, और आगे नहीं। कुछ भी करो, मनुष्य न मनुष्य रहना है, पशु न पशु रहना है। जो जीव जिस रूप में आज है वो वही उसी योनि में रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं होगा। मान्यताएं हैं, तरह तरह की मान्यताएं हैं। हम किसी के लिए क्या उंगली उठाएं, हम तो इतना कह सकते हैं हमारी मान्यता, भगवान महावीर ने ये बताया, हम इतना कह सकते हैं। कोई क्यों मानता, अरे मान्यता, अपनी अपनी मान्यता है। बंधु, बहुत सारे तर्क और वितर्क हैं। अब हम भगवान महावीर की बात करना चाहेंगे। ये तो मैंने कुछ बातें आपको विभिन्न धर्मों की और मान्यताओं की बताई। भगवान महावीर कहते हैं, एक या देवलोईसु, कभी यह जीव देवलोक में चला जाता है। क्यों जाता है? अपने कर्मानुसार जाता है। इसलिए कर्म का महत्व समझ लो। कर्म के कारण से देवलोक में गया, किसी ने भेजा नहीं, किसी के आशीर्वाद से नहीं गया। आशीर्वाद से धर्म तो मिला, धर्म किया तुमने तब जाकर के तुम्हें वो गति मिली, लेकिन मिली कर्म के कारण से, जो किया उसके अनुसार। कभी नरक में जाता, राजा श्रेणी भगवान महावीर का परम भक्त, अपने आप को परम शिष्य मानता, वो भगवान के दर्शनों के लिए गया था। जाकर दर्शन किए बैठा, उस दिन न जाने क्या मन में आई, क्या विचार आया, और भगवान से बोला, भगवान मैं मर करके कहां जाऊंगा। पश्चिम बिहार वालों, भाई और बहनों, आ गया मन में पूछ रहे, प्रश्न हो गया, विचार आ गया कि जब मर करके कहां जाऊंगा। भगवान ने कहा, श्रेणी तुम्हारे पास इस समय इतने कर्म हैं, अगर उनके अनुसार तेरी मृत्यु होती है, उन कर्मों के रहते हुए तू सातवें नरक में जाएगा। वो तो जी कांप उठा नरक का नाम सुनकर, और उसमें भी सातवें नरक का नाम सुनकर, इतने घोर, इतने भयानक, इतने ऐसी ऐसी नरक। बहुत घबराया वो, बहुत डरा। उसने कहा, अब क्या हो, भगवान ने कह दिया, अब तो मर करके सातवें नरक में जाना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कितने दुख होंगे। मैंने पढ़ा एक धार्मिक किताब में, ईसाइयों की किताब थी, उनके यहाँ नरक का जिक्र है। नरक के बारे में उन्होंने ये बताया, जैसे आग पर रोटी सेकते हैं ना, ऐसे सेकते हैं वहाँ जीव को आग में, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, आग जलती रहती है और उसको सेकते रहते हैं। अर्थ ये कि नरक में घोर दुख है, आप कैसे कह लो, भारी दुख है, और साथ ही नरक में। वो तो जी खो गया अपने विचारों में, इस विचार और चिंतन में एक सदविचार आया। और क्या विचार आया, विचार आया, यहां के बाद तो कभी संतों के दर्शन होंगे नहीं, फिर तो भगवान के अब दर्शन कर लूं, संतों के दर्शन कर लूं, फिर तो कभी संत मिलेंगे नहीं। और विचार आया कि आज वर्तमान में संत बहुत सारे विराजमान हैं, कहते एक बार तो देख लूं,
लोग कहते ना भाई मन भर करके देख लो, कभी होता है ना कभी भाई बाहर जा रहे हैं विदेश में जा रहे हैं कहीं दूर जा रहे हैं भाई, जाते जाते भी एक बार तो देख लो अपने किसी भी प्रियजन को, चाहे माता पिता चाहे बेटा बेटी चाहे कोई भी है भाई, एक बार तो मन भर करके देख लो। विचार आया पता नहीं फिर क्या होगा, आज तो संतों के दर्शन कर लो, और दर्शन क्या आज तो मैं सबकी वंदना कर लो। किसका विचार आया भाई, मैं सबकी वंदना कर लू, भगवान को नमन कर वो उठा, अपने विचारों में खोया अपनी तरह से, बोला कुछ नहीं कहा कुछ नहीं, उठा और जितने जहां संत बैठे हुए थे, जहां जहां पर कोई स्वाध्याय कर रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई चिंतन मनन कर रहा था, कोई किसी से पढ़ रहा था, कोई किसी को पढ़ा रहा था, वो विशाल बाग बहुत सारे साधु थे भगवान के साथ में, वो सब बैठे हुए थे। राजा गया, एक एक संत की सन्निधि में गया और उसने बड़े भावों से वंदना की, गुरुदेव फिर मुझे पता नहीं अवसर मिले ना मिले, आज मैं आपको अपने पूरी श्रद्धा से वंदना करता हूँ, गुरुदेव मैं तो नरकगामी जीव हूँ, आज कर लो वंदना फिर कहाँ दर्शन होंगे मुझे। अंतर में उसका मन रो रहा था फिर दर्शन नहीं होंगे, एक तो मैं नरक में जाऊंगा ये नहीं फिर दर्शन नहीं होंगे, यूं उसने सारे संतों के दर्शन किए, वंदना की, दर्शन करके वंदना करके सबकी, और वो लौट आया भगवान के पास आकर नमन किया, बैठ गया, मन में उदासी थी क्या करें, हाँ दर्शन कर लिए फिर तो क्या मुंह का कब लगेगा। भगवान ने कृपा की, श्रेणिया श्रेणिक भगवान, आज तूने बहुत कर्म निर्जरा की भगवान, कैसे तूने संतों की वंदना की, हाँ भगवान मैंने वंदना की, तूने बड़े भावों से वंदना की भगवान, जैसा मुझसे हुआ जैसी मुझे आई मैंने वंदना की, श्रेणिक तूने जो वंदना की और भावों के साथ की, तूने छह नरकों के सात छह पांच इस क्रम से तूने छह नरकों के जो कर्म थे उनकी निर्जरा कर दे, उनका क्षय कर दिया, अब केवल एक पहली नरक रह गई। मैं जानता हूं ये कथा आपकी सुनी होगी, पर मैं कुछ विचार आपके लिए कह रहा हूं, थोड़ा विचार करोगे। वो बड़ा हैरान हुआ, भगवान कैसे तूने वंदन किया, तेरे अंदर जो ये भाव था वंदन का ये इसका फल हुआ, इतने कर्म तेरे नष्ट हो गए, अब तुझे सातवें नरक नहीं जाना पड़ेगा, छठी नहीं जाना पड़ेगा, अब तेरे पास सिर्फ एक नरक के कर्म रह गए। थोड़ी बात समझा दूं आपको, गति अगर बंध जाए तो टूटा नहीं करती, क्या समझे आप, गति कहीं की किसी जीव की बंध जाए वो नहीं टूटा करती, उसके पास इन गतियों के कर्म थे, गति बंध नहीं हुआ था, कर्म तो आते रहते क्षय होते रहते हैं, भावों के अनुसार आते हैं, भावों के अनुसार क्षय भी हो जाता है, तब तक गति नहीं बंधी थी, गति भी कर्मानुसार बंधेगी। उसने सुना इतने सारे कर्म नष्ट हो गए, वो चकित हुआ हैरान हुआ, और उसके मन में क्या भाव आया, ये तो बहुत आसान मार्ग है, मैं एक बार फिर जाऊं संतों की वंदना कर आऊं, एक जो नरक बची है ये भी मेरी नष्ट हो जाएगी। हाँ भाई पश्चिम बिहार वालों बड़ा आसान सा रास्ता रहा,
एक बार चलो स्थानक तक जाए और मते वन्ना करिए, इतना बड़ा काम हो जाए तो और क्या चाहिए। मैं आपके लिए ऐसा नहीं सोचता भी आपके पास ऐसे पाप कर्म है, मैं तो समझाने के लिए बात कह रहा हूं, ये तो बड़ा आसान हो गया। कभी कभी कहना मुश्किल होता है, लेकिन बात बताऊं, एक धर्म के अंदर ये मान्यता है, उनका जो धर्म शास्त्र है जितनी बार उसको फिरा लो, जितनी बार उसको क्या कर लो, बोलो जरा, फिरा लो, उतने संसार के चक्र मिट जाए, ये मान्यता है। उस धर्म शास्त्र को जितनी बार फिरा लो उतने संसार भ्रमण के चक्र मिट जाए, ये मान्यता, घुमा लो। उसका रास्ता कितना आसान निकाला, ये निकाला, किताब ली, किताब में छेद करके और वो चरखे से बांध दी, किसके साथ बांध दी, चरखे से बांध दी, और चरखा घुमाते रहते हैं, चरखा घुमाते हैं तो किताब एक बार फिरा ले, दो बार फिरा ले, जितनी बार वो किताब फिरा ले उतने संसार के चक्र मिट गए। मतलब तो स्वाध्याय से था भाई, जितने बार इसके स्वाध्याय कर लोगे, इसको फिरा लोगे, संसार के चक्र मिट जाएंगे। किसी न किसी कम ज्यादा रूप में ये बात सारे मानते भी, स्वाध्याय कर लो, हम करें उत्तराध्यान पढ़ लो, हम कोई और कहता भी गीता पढ़ लो, कोई और कहता भी अमुक किताब पढ़, उनकी मान्यता है। किताब घुमा लो, फिरा लो, फिरा लो का मतलब तो ये था उसके स्वाध्याय कर लो। और आदमी ने कितना आसान तरीका निकाला, तरीका ये निकाला कि चरखे से किताब बांध दे और बांध के चरखा चलाते रहो, पता नहीं कितने चक्र मिट गए। कितना आसान काम ढूंढा आदमी ने। हम गए मैकलोडगंज धर्मशाला, हिमाचल मुंह से आगे है मैकलोडगंज, वहां गए हम, तो वहां बौद्ध धर्म का केंद्र है वो। ये आलोचना मैंने, मैं तो स्थिति में बता रहा हूं, आपने भी देखा होगा कोई, वो तो दिखाते हैं सबको, कोई बात है ही नहीं। हमने देखा पीतल का एक बहुत बड़ा ड्रम, बहुत ही बड़ा था, होगा 5-8-10 फुट का, तो बहुत बड़ा, आदमी से ऊंचा था वो, पीतल का था, उसके ऊपर मंत्र खुदा हुआ था और कुछ ऐसे बना रखा था, नीचे ऊपर सेटिंग थी उसकी, तो वो घूमता था, उसको ऐसे घुमाओ, हर जाने वाला उसको ऐसे ऐसे खूब घुमा के आते थे, खूब घुमा के आते थे। मैंने मंत्र भी पूछा, मां मंत्र क्या है, उन्होंने मंत्र बता दिया, हूँ मणिपद, मणिपद में हूँ, ओम मणिपद में हूँ, ये मंत्र था, उसके ऊपर लिखा हुआ खुदा हुआ था। मान्यता ये है कि जितने बार इसको ड्रम को घुमाएंगे ना, इतने जाप लगेंगे, इतने ही जाप होंगे। बहुत दुनिया और बहुत सारे ड्रम छोटे छोटे तो बहुत ही लगे हुए थे वहां पर, सब जाने वाले ड्रम घुमा करके आते। आप भी गए कभी, आपने भी देखा होगा, घुमा करके आते। मान्यता क्या है, मान्यता क्या इस बात की, इस बात की मान्यता भी जितनी बार ड्रम घूमेगा बस इतने जो है मंत्र जाप होगे। क्या आसान तरीका निकाला, बहुत आसान तरीका हो गया। बंधुवाद में आसान तरीके बहुत खोज लेता है। अभी हो गया ना ड्रम घुमाने का, भाई जितनी बार घुमा लो उतने सारे जाप हो जाएंगे। कहाँ तो बात मंत्र जप की, कहाँ तो स्वाध्याय की, और यहाँ और भी आसान। गुरु महाराज योगीराज जी एक थोड़े से हास्य की बात सुनाते थे। एक व्यक्ति था, वो बाड़ी था, लकड़ी का काम करता था, लकड़ी की चीजें बनाता था। काम करते करते बूढ़ा हो गया, जिंदगी वहां पहुंची, काम होना बंद हो गया, वो बैठा रहता घर में, जो है थोड़ी मुश्किल सी हो गई, मुश्किल से रूप में उसकी अवहेलना होने लगी, वो दुखी रहता। मैं देखो सारी उम्र काम किया और अब देखो घर में रोटी भी मुश्किल हो रही है। एक बार वो घर के बाहर बैठा हुआ था, उदास था, ऐसे मुंह लटकाए हुए बैठा था। कोई एक महात्मा आ गया,
उसने देखा ये आदमी बड़ा उदास है। महात्मा ने उसे समझा, भाई भगत क्या बात है? उसने मुंह पर किया, बोले महात्मा जी क्या बात है, बड़ा उदास लग रहा है। बोला जी उदासी में तो कोई कमी है नहीं, क्यों क्या बात? उसने बताई कि पहले तो मैं काम करता था, लकड़ी में बाड़ी हूँ ऐसे काम करता था, और अब काम बनता नहीं, मेरे से होता नहीं, घर के अंदर रोटी तक की भी दिक्कत हो रही है। महात्मा को दया आई, दया आई तो बोले ले मैं उपाय बताता हूँ, इसका कोई कमी नहीं रहेगी, घर का तो मोह छोड़ दो। महात्मा ने अपनी वो चादर जिस लाल पीली जो भी ओढ़ी था वो उतारी और कहा ले ये तो ओढ़ ले, ये चादर ओढ़ ले, वहाँ बैठ जा तालाब के किनारे वहाँ से, और अपने गले से माला उतारी, बोले ये माला ले ले, इसको ऐसे करता रहो चलाता रहो। मंत्र मंत्र तो कुछ आता नहीं था, कुछ नहीं आता था, बोले जी और तो कुछ, बोले इसको कुछ नहीं कर, इसको चलाता रहो बस, कम बोलना किसी से, मैं चलाता रहो, जा बैठ जा। वो जी लेकर जा बैठा वहाँ तालाब के किनारे, और माला को कभी ऐसे करता रहे, कभी ऐसे करता रहे, जैसे भी था चलाता रहे, मंत्र कुछ आता नहीं, करता रहा। लोगों ने देखा भाई ये तो भगत हो गया, महात्मा हो गया, अब लोग उसको खाना दे जाने लगे, और पूछ लेते दूध भी देने लगे, जो भी किसी की भक्ति होती दे जाता है, कहने का अर्थ ये मौज हो गई, खाना खूब मिलने लग गया, सारी बातें, और वो अपना माला चलाता रहता। एक दिन उसका एक मित्र आ गया पुराना, वो वहाँ से गुजरा, उसने देखा ही तो मेरा फलाना दोस्त, उसने नाम लिया, नाम लेकर बोला अरे तो महात्मा कब से हो गया? बोला जी महात्मा मुँह तो महात्मा कुछ बना नहीं। बोले और? माला तो ले रखी तो चलाने लग रहा। बोले भाई जिंदगी में एक ही काम करा था, लक्कड़ सरकाने का।